चलिए बच्चों न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं नेक्स्ट एलिवेशन के ऊपर आपका दे रहा क्वेश्चन में 12.5 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, यानी जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर उसका जो वेट है वो दे दिया आपको 170 ग्राम और जो सोल्यूट है उसका वजन दे दिया आपको वेट कितना 12.5 ग्राम। द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट वॉज फॉर्म टू बी 0.63 केल्विन, यानी इसका जो एलिवेशन टेम्परेचर आपको दे दिया है कितना 0.63 केल्विन। जो आपको कॉन्स्टेंट है वाटर के लिए उसकी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 0.52 दे रखा है, तो लिख दिया मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू 0.52 और बोला है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया और आपसे पूछा है जिसका यूरिया का कैलकुलेट करना है मास, यानी क्या फाइंड करना अपने को एम बी की वैल्यू जो फाइंड करनी है। ठीक है अच्छा देखिए अपने एलिवेशन के अंदर इसका फॉर्मूला देखा था, देखा सबको क्लियर यहाँ से, तो एलिवेशन का फॉर्मूला टेम्परेचर के अंदर आपने देखा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर और क्या था आपका फॉर्मूला जब याद कीजिए तो लिखते हैं वी नो दैट क्या होता है टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो होता है इक्वल होता है इसके आपके कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई उसकी मोलिटी, ठीक है और उसका फॉर्मूला देखा था उन्होंने क्या था डब्ल्यू बी होता है आपको ऊपर तो लिखते हैं डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपन हो जाएगा क्या द मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सोल्वेंट, ठीक है मानो। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है पुट कर देते हैं जिसे टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है आपका 0.63 इक्वल कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0.52 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू है 12.5000 एज इट इज, ये फाइंड करना अपने को सोल्यूट का मास यानी किसका सोल्यूट क्या आपका यहाँ पर यूरिया। अच्छा यूरिया का जो फार्मूला है किसी न्यूमेरिकल में आपको यूरिया का फार्मूला भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको एटॉमिक मास जरूरत पड़ेगी तो यूरिया का फार्मूला लिख देता हूँ मैं कभी जरूरत पड़े NH2CONH2 ठीक है आपको वहाँ पर एटॉमिक मास भी लिखना हो तो उसकी जरूरत पड़ेगी तो ये यूज कर लीजिएगा। चलिए मल्टीप्लाई डब्ल्यू और कितना दे रखा आपको 170, ठीक तो अपने को जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी थी वो सारी उन्होंने पुट कर दी और बोला कैलकुलेट द मोलर मास का मास निकालना है तो फाइंड कीजिए जल्दी से कैसे फाइंड करेंगे अपन अगर कुछ कैंसिल होता कैंसिल कर सकते हो जैसे 1 और 2 कितने 0 गए 1 और 2 इसके 1, 2, 3 0 गए तो 1000 से 1000 कट जाएगा और तो कुछ नहीं कटता तो फ्री कर देते हैं एम बी इक्वल्स टू इसको भेजा यहाँ से इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई 125 और अपन में कितना है 0.63 आ जाएगा यहाँ पर 0.63 मल्टीप्लाई 170 अगर ये डेसिमल हटेगा तो वापस ऊपर डबल जीरो लग जाएगी 10 से 10 और कुछ कटा तो देखिए नहीं कटा आपका तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन तो एम बी इक्वल 125 मल्टीप्लाई 52 से कीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए ये काम करके आप करके बताइए रफ में ठीक इतने में भी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए सभी एक बार और इसके आगे देखते फिर अपन मल्टीप्लाई करा समझे चलिए मिला लीजिएगा तो 120 का मल्टीप्लाई आपने को 52 से करना है तो 125 मल्टीप्लाई 52 तो देखिए क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 250 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 625 यानी 0 5 5 10 का 0 10 के 1 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 6 हो जाएगा यानी 6500 और 10 पहले से था आपका ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर किसका 63 में 17 का 63 मल्टीप्लाई 17 तो 7 3 21 का 1 के लिए 2 7 6 42 और 2 44 वापस 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 63 तो 1 7 और 10 तो 1071। अब और मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन
कर दिया हमने लिखना यहाँ पर। अब आपको डिवाइड करने की बारी, तो डिवाइड कर दीजिए एम बी इक्वल्स टू, तो डिवाइड करना 6500 में, 6500 को डिवाइड कीजिए किससे, 171 से, तो आपका एप्रोक्स जो भी आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ये काम आपका है, डिवाइड करने के बाद आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इजी इजी न्यूमेरिकल जो है आपके पूछे जाते हैं, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व करके अपने आंसर वगैरह निकाल सकते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें सारे जो न्यूमेरिकल देने के एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं सॉल्व हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। जरूरत ही मेन कंफ्यूजन का होता है इन वैल्यू को लेने में, वैल्यू को लेने में दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे मान लो दे रखा था कि 12.5 ग्राम यूरिया है, यूरिया यानी आपका सोल्यूट है, और सोल्यूट का वेट होगा तो बीजे रिप्रेजेंट करा था, क्योंकि ए किसका वेट था आपका सॉल्वेंट का था, बी किसका वेट था आपका सोल्यूट का था। फिर आगे बोला द एलिवेशन ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल में आएगा उसका एलिवेशन, तो क्या पूछो टेम्परेचर है 0.63। कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर दी हुई आएगी। जो कांस्टेंट था ना यहाँ पर मोलर कांस्टेंट जो था आपका, उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर वैसी दी हुई आएगी, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो है सॉल्यूट का वेट फाइंड करने के आएगा। और आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, और आप अगर अपना आंसर देखोगे एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके पूछे गए हैं, ठीक। तो आप सॉल्व कीजिएगा, इजी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं।